आप देख सकते हैं ये दृश्य जो है, ये दृश्य एक बहुत दुख की बात है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज कई जगहों पे हमने और भी सुना कि ऐसे मसले जो हैं वो पेश आए, और आप देख सकते हैं ये जो परिवार है इस टाइम परिवार के दिल पर जो है कितनी जो चोट है वो पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो ये यहाँ पर एक बच्चा 14 साल का जो बच्चा था, 8th क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा, उसकी जो आज यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो यहाँ पर डेड बॉडी मिली है। और ये जो है ये उस बच्चे के जो यहाँ पर ये नानी जी हैं, और आप देख सकते हैं कितना दुख इनके दिल पर, ये जो कितना दुख आप ये किसी को जाहिर नहीं कर सकते कि ये कितना दुख है। और काफी यहाँ पर लोग भी जो यहाँ पर इस टाइम लोग भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बात करूंगा उलेज गुतासा तहसील भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू कश्मीर की, ये बात है। गुतासा पंचायत यहाँ पर पड़ती है, और ये गुतासा पंचायत की जो इस टाइम तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस टाइम में इनके घर पर पहुँचा हूँ, और आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं यहाँ पर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दिलों में इनके दुख जो है वो दुख इनके दिल पर है। और आज भद्रवाह पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर पूरे SDPO SHO जितेंद्र सिंह रखवाल जो यहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने अपनी कार्रवाई यहाँ पर कागजी कार्रवाई जो है वो शुरू की है। और अब देखते हैं कि SDPO भद्रवाह और SHO जितेंद्र सिंह रखवाल और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को जो है सॉल्व कैसे करेगी। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये आप देख रहे होंगे यही वो जगह है यहाँ पर जो वो छोटा बच्चा था उसने यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी के जो पीस लगे हुए हैं यहाँ पर जो है उस बच्चे ने, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, समझ जो है वो आया ही होगा कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी के जो यहाँ पर टुकड़े लगे हुए हैं, और नीचे ये यहाँ पर ये कुर्सी है, यहीं पर जो है उसने लड़के ने जो है यहाँ पर अपने गले में जो है एक रस्सी बांध कर जो है अपनी जान दे दी है। और उस टाइम सुनने में ये भी आता है कि घर में जो है कोई नहीं था, घर वाले जो हैं वो अपने खेतों में जाकर काम कर रहे थे, लड़का जो है वो घर पे ही था। अब देखना ये होगा कि क्या पूरा मामला था। अब जो है एक बार फिर मैं भद्रवाह पुलिस स्टेशन से SHO जो हैं जितेंद्र सिंह रखवाल और SDPO भद्रवाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अब इस केस को देखना होगा सर कि ये केस जो है कहां तक जाएगा।
तो आपने सुना ही होगा जो उस लड़के के नानी माँ हैं उनका ये जो बयान है, ये बयान कहीं अपने आप में बहुत दुख का बयान इन्होंने दिया है कि इनको बहुत उस लड़के का जो है वो दुख हुआ है।